केंद्रीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के उम्मीदवारों को बुधवार को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया गया। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों को कलेक्टर परिसर में बुधवार को 3 बजे तक पर्चा वापसी का कार्यक्रम चलता रहा। उसके बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का वितरण किया गया। इस दौरान प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह कप और प्लेट, कुल्हाड़ी, गमला, मेज, चश्मा, मछली, तराजू सहित अन्य चिन्ह आवंटित किया गया। इसके अलावा विकास खंड खजनी क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के अनुज बाबू गुलाब सिंह की पुत्रवधु अंशु सिंह, पत्नी स्वर्गीय सुरेंद्र बहादुर सिंह निर्विरोध BDC हुई। आपको बता दें कि अंशु सिंह वर्तमान में खजनी विकास खंड की ब्लॉक प्रमुख पद की प्रत्याशी भी हैं। इस अवसर पर भारी संख्या में प्रत्याशी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर सुनील कुमार ने कहा, कृपया कैंपस खाली कर दें, जो लोग सिंबल पा रहे हैं कृपया कैंपस खाली कर दें। काउंटर लोग भीड़ ना लगावे, जिन लोगों को जरूरत है तो जल्द से जल्द सिंबल लेकर के काउंटर खाली कर दें। भैया सही रेट लगा ले कर, अरे दूर दे दस साल लगा ले। हेलो, वापसी का कार्य जो समाप्त हो चुका है, इस समय चुनाव चिन्ह वितरण का कार्य किया जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए जो है चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जा रहा है। कितने लोग अभी चारों AR का आया नहीं है संख्या, चारों AR की संख्या आ जाएगी, फिर उसको जोड़ने के बाद तब पता चल जाएगा कितना होना है।